सर गंगाराम हॉस्पिटल, यहाँ पे आपको हर तरीके की फैसिलिटी एंड मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल। बात करें पार्किंग व्यवस्था, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है किसी भी हॉस्पिटल में, वो आपको बहुत फर्स्ट क्लास यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। बात करें गेस्ट की रुकने की व्यवस्था, तो एक बहुत अच्छा पार्क दिया गया है जिसमें 700 से 800 लोग आराम से स्टे कर सकते हैं दिन में। बात करें पेशेंट की, तो विजिटिंग टाइम 2 बार दिया गया है, 8:30 से 9:30 एंड 5 से 6:30 बजे तक यहाँ पे गेस्ट आके विजिट कर सकते हैं अपने पेशेंट को। बात करें कंट्रोल एंड रिस्पॉन्स की, तो आपको बहुत अच्छा देखने के लिए मिलता है इस हॉस्पिटल में। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सर गंगाराम हॉस्पिटल के बारे में और ये कहाँ पे स्थित है। न्यू दिल्ली करोल बाग के पास मेनली स्थित है। बात करें दोस्तों सबसे बेस्ट रास्ता कौन सा है आने के लिए, तो आप मेरठ एक्सप्रेस वे पकड़ते हैं तो वहां से आप बहुत ज्यादा जल्दी आ सकते हैं एज कम्पेरिजन दिल्ली के अंदर घूमने के मुकाबले। बात करें दोस्तों ये कब बना था, तो 1921 में ये मतलब बनाया गया था, एस्टेब्लिश किया गया था और 675 बेड का ये हॉस्पिटल है। बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या है और अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो वहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि 300-350 बेड और बढ़ाएंगे, तो लमसम ये 1000 बेड को लमसम कंप्लीट कर लेंगे। बात करें दोस्तों इसमें फर्स्ट क्लास आपको ट्रीटमेंट मिलता है एज पर डिपार्टमेंट पार्टिकुलर प्रॉब्लम, जैसे कि आपकी कोई इंजरीज है या आपको कोई ऑपरेशन करवाना है पार्टिकुलर चीज़ का, तो वहाँ पे जैसे कि हेड न्यूरो हो गए, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट हो गए, तो ऐसा नहीं है कि पेशेंट कहीं भी पढ़ा है तो वहाँ डिपार्टमेंट वालेंगे। तो इस हॉस्पिटल में थोड़ा सा अच्छा ये है कि आप पार्टिकुलर न्यूरो से रिलेटेड है, तो पूरी जो फ्लोर है वो पूरा ही न्यूरो का होगा, वहीं पे सब डॉक्टर सब कुछ फैसिलिटी आपको अवेलेबल मिलेगी। ऐसा नहीं कि आपको छोटे से टेस्ट के लिए वहाँ दौड़ा रहे हैं यहाँ दौड़ा रहे हैं, तो वो चीज़ नहीं है इस हॉस्पिटल में। बात करें दोस्तों हर किसी चीज़ के लिए बहुत अच्छे पॉपुलर डॉक्टर भी हैं और असिस्ट करने के लिए नॉर्मल डॉक्टर भी हैं। नॉर्मल पॉपुलर डॉक्टर में ये होता है कि वो नॉर्मल सर्जरीज पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन तब कोई ऐसी इंजरीज आ जाए या कोई ऐसा पेशेंट आ जाए कि एमरजेंसी देखना है, तो वो उठ के खुद देखते हैं, खुद असिस्ट करते हैं कि क्या ट्रीटमेंट देना है, किस तरीके से टेस्ट होने। टेस्ट प्राइस थोड़े से ज़्यादा हाई पर है, लेकिन आपको फैसिलिटी के मुकाबले बात की जाए तो कुछ भी नहीं है। बात करें आगे वीडियो में देखते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं शुरू से, सर गंगाराम एंट्री गेट 1, और यहाँ से आप नॉर्मल कार पर्सनल कार टैक्सी सब इसी गेट से जाती है अंदर के साइड, और यहाँ पे आपको बाहर के साइड जो लुक मिलता है कुछ इस तरीके का मिलता है सर गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली सरकार, तो यहाँ पे नोटिफाई भी कर रखा है मेन, और आपको बाहर से जो लुक देखने के लिए मिलता है वो कुछ इस तरीके का देखने के लिए मिलता है। और ये आप मेनली फ्रंट साइड से देखेंगे तो अंदर गेस्ट पार्क आपको देखने के लिए मिलता है जिसपे नॉर्मली गेस्ट स्टे करते हैं, और ठंडों में थोड़ी प्रॉब्लम रहती है लेकिन गर्मियों में बाहर सो सकते हैं, मच्छर नहीं लगाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और जैसे ही हम पार्क के अंदर जाते हैं तो साफ सफाई और बहुत अच्छा क्लियरेंस देखने के लिए मिलता है। आप अपने पर्सनल लोग होते हैं उनसे उनकी बातें सुनना अपनी बातें सुनाना, तो इस तरीके का सिलसिला लगा रहता है। बात करें साफ सफाई की, टॉयलेट की मेन एंड वुमेन्स अलग दे रखा है, साफ सफाई बहुत ज़्यादा अच्छी है और आपको सारी बेसिक नीड्स देखने के लिए मिलती हैं इस पार्क में, कुर्सी बैठने के लिए लेटने के लिए सब कुछ। बात करें पार्क से तो बाहर के साइड जाते हैं तो लिमिटेशन दे रखी है कि ज़्यादा भीड़ अंदर एक बार में ना जाए, तो एक एक दो दो करके ही बंदे निकलते हैं, और सामने ही हॉस्पिटल दिखाई देता है आपको जैसी पार्क के ये, और राइट हैंड साइड कॉर्नर में आपको आपातकालीन मतलब इमरजेंसी दिखाई देती है, तो वहाँ पे 24 आवर्स एक्टिव रहते हैं, जैसे कोई इमरजेंसी होती है तो तुरंत ही बेड फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आपको पार्किंग दिखाई देती है 12 फ्लोर की, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप समझ सकते हैं कि पार्किंग ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है लाइफ का। बात करें दोस्तों फार्मेसी बिल्कुल आउटसाइड दे रखी है, अंदर जाने की जरूरत नहीं है, फार्मेसी से बाहर से ही दवा खरीद सकते हैं। बात करें पार्किंग की तो 12 मंजिल मतलब 10 मंजिल तो ऊपर है, 2 मंजिल अंडरग्राउंड है, यहाँ पे कोई एसी या कोई फैन में नहीं लगाया गया है, जो वैन मतलब बाहर की एयर है पूरा ओपन है, तो इधर से मतलब नॉर्थ टू साउथ वेंटिलेट ओपन रहता है, बाइक पार्किंग अंडरग्राउंड दी गई है। और बात करें यहाँ पे आपको
यहाँ से डिस्चार्ज किया जाता है मैक्सिमम टाइम, तो यहाँ पे ये आउटलेट है तब आपको डिस्चार्ज किया जाएगा। पूरा हॉस्पिटल में घुमा के इसी पोर्शन से आपको डिस्चार्ज किया जाता है मैक्सिमम टाइम, कभी कभी मेन गेट से भी कर देते हैं। बात करें फ्रंट लुक एमरजेंसी की, तो यहाँ पे इस तरीके की, जैसे आप फर्स्ट गेट एंट्री लेते हैं तो यहाँ पे आपको एमरजेंसी देखने के लिए मिलती है जो कि 24 आवर्स एक्टिव रहते हैं लोग, और सिक्योरिटी लेवल बहुत ज़्यादा हाई रखा जाता है 24 आवर्स। यहाँ पे आपको मतलब पार्क मिल जाता है, गेस्ट पार्क, और यहाँ पे आपको मेन एंट्री जो कि नॉर्मली डॉक्टर या आप नॉर्मली विजिट करने जा रहे हैं तो आपको यहीं से जाना होता है। तो ये दोस्तों यहाँ पे लिफ्ट फैसिलिटी, डिपार्टमेंट फैसिलिटी, इंडिविजुअल डिपार्टमेंट जो मैंने अभी बताया था आपको पीछे वीडियो में, तो आपको वो देखने के लिए मिलते हैं यहाँ पे। लिफ्ट फैसिलिटी इंपॉर्टेंट है, हर किसी चीज़ से इंटरकनेक्टेड है। ये आ गया बिलिंग सेक्शन, जो कि लोग मुझे यहाँ पे थोड़े से कम दिखाई देते हैं, लेकिन जो TPA डिपार्टमेंट है वो फास्ट है, लेकिन रिस्पॉन्स जो लेट रहता है वो इंश्योरेंस कंपनियों का लेट रहता है। तो दोस्तों आपने पूरी वीडियो देखी, वहाँ पर पूरा एनालाइज करा, लेकिन जहाँ सबसे ज़्यादा मेन प्रॉब्लम आती है वो आती है डिस्चार्ज के टाइम। एक तो फाइल प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा लेट है, बहुत ज़्यादा, मतलब आप सुबह 8-7 बजे से भी कहना शुरू करते हैं तो वही 4-5 पूरा दिन लगा देते हैं। उसके बाद आप कैश से पेमेंट कर रहे हो तो वहाँ पर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, वो सीधे पर्ची काट के देते हैं और डायरेक्टली पेमेंट कर देते हैं। लेकिन दोस्तों तब आप किसी इंश्योरेंस के द्वारा, जैसे कि मैं आपको अंतर भी बता दूँ, एक होता है TPA और दूसरा होता है नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस। इन दोनों में क्या फ़र्क होता है, TPA जो होता है वो थर्ड पार्टी द्वारा होता है, जैसे कि आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो कंपनी ने आपका इंश्योरेंस करवा रखा है हेल्थ इंश्योरेंस, तो वो TPA के अंदर आता है, वो कोई से भी इंश्योरेंस कंपनी हो सकती है। और नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस जो है दोस्तों, आप डायरेक्टली किसी भी अनदर कंपनी से, जैसे कि मैंने अपोलो का करवा रखा है, तो वहाँ पे उस तरीके का डायरेक्ट हेल्थ इंश्योरेंस होता है। तो और डायरेक्ट हेल्थ इंश्योरेंस में आपको ज़्यादा अच्छा कवरेज मिलता है एज़ कंपेरिजन कंपनी के हेल्थ इंश्योरेंस के मुकाबले। बात करें दोस्तों, बहुत ज़्यादा टाइम होता है, लेता है, जैसे कि बिलिंग में ये हॉस्पिटल की रूल है या रेगुलेशन है, बहुत कम, मतलब डिस्चार्ज के टाइम आपको स्टाफ बहुत ज़्यादा कम दिखाई देगा। ऊपर से जो प्रोसेसिंग टाइम है बहुत ज़्यादा लेते हैं, बहुत ज़्यादा, जो पेशेंट ज़्यादा होते हैं डिपार्टमेंट में, लोग इतने हैं नहीं, तो वहाँ पर आपको मेन प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। लेकिन तब आप पूरा बिल हो जाता है फिर अप्रूवल में, ये कंपनियों का होता है। मैं TPA की डिपार्टमेंट की गलती नहीं बताऊंगा इसमें, कि वो बहुत जल्दी प्रोसेस कर देते हैं, और जो भी इनकी इंक्वायरी होती है हेल्थ इंश्योरेंस वालों की कि हाँ डॉक्टर से सजेस्ट करवाइए कि क्या क्या रियली, फिर बिलिंग। लेकिन ना दोस्तों, तब इन्हें मालूम है कि ज़्यादातर कंपनी हर किसी चीज़ में मांगती है, ये चीज़ मुझे लगी, तब मैक्सिमम नंबर ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की डॉक्टर से पूरा स्टेटमेंट मांग रहे थे एक्चुअली पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, तो उन्हें वो जोड़ देना चाहिए। तब पता है कि ऑलरेडी सबको मालूम हो जाता है कि हाँ ये TPA या हेल्थ इंश्योरेंस से डायरेक्टली कनेक्टेड है बंदा, तो वहाँ पे पूरा स्टेटमेंट लिख के एक ही बारी में पास कर दिया जाए, तो ये बार बार अप्रूवल, डिस्चार्ज अप्रूवल नहीं करना पड़ेगा, मतलब खेल नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली हो जाएगा। बिलिंग जैसी चीज़ पहले मतलब शेयर कर सकते हैं। दूसरी है कि जो डॉक्टर के रिकमेंडेशन है किस तरीके से क्या क्या प्रॉब्लम हुई वो भी पहले कर सकते हैं, तो इसमें टाइम बच जाता है कस्टमर्स का, जो कि नॉर्मली पेशेंट है डिस्चार्ज के लिए वेट कर रहा हो, तब उसके दिमाग में आ जाते हैं ना कि डिस्चार्ज हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा हल्ला काटने लगता है। तो वहाँ पे थोड़ा सा मुझे लेक लगा कि हाँ, मतलब रिस्पॉन्स में हर चीज़ में बहुत बड़ा लेक है, लेकिन आफ्टर कंप्लीट हो जाता है तो वहाँ पर कुछ ज़्यादा हैवी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाते किसी मामले में, तुरंत आपकी बिलिंग कंप्लीट होती है तो आप नॉर्मली डिस्चार्ज करके लेके जा सकते हैं। तो दोस्तों टोटल मिला के ऑल ओवर एवरेज बताऊँ तो बहुत ज़्यादा बढ़िया रहा, और पेशेंट के मुकाबले बात करूँ तो दोस्तों बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन थी, लेकिन उसे भी मैनेज करके हम आगे बढ़े, और जो ट्रीटमेंट है वो फर्स्ट क्लास था, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।